हेलो गाइस दिस इज आदित्य जोशी वेलकम बैक टू आर चैनल अब आप सबको पता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने हमें अप्रोच भी किया था कि भैया एमबीबीएस बी बी के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए बहुत सारे पेरेंट्स के पास अनसर्टेनिटी थी कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में बजट कितना रहता है तो देखो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ हम लोग एक एम बी का फ्री सेमिनार करने वाले हैं फ्री काउंसलिंग प्लस सेमिनार होने वाला है ठीक है दिस इज सोनली टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट फ्रॉड्स अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं सबसे पहली चीज यह खाली एमबीबीएस के लिए ही होने वाला है ठीक है जिन बच्चों को करियर रिलेटेड डाउट्स है जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है नहीं लेना है भैया कहां से कैसे पढ़ाई करनी है वो सारे डाउट्स के लिए हम बाकी सेमिनार्स लेते रहते हैं वो ज्वाइन करना ठीक है यह वाला सेमिनार जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा खाली एमबीबीएस एब्रॉड के लिए यहां पर सारे ऑप्शन सारी कंट्री सारे कॉलेजेस जितने ए टू जेड अवेलेबल है सब कुछ का डिस्कशन होगा आपसे पूछा जाएगा आपका डाउट क्या है पूरा आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे डॉक्टर्स प्रेजेंट होंगे डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल आपकी काउंसलिंग लेने वाले एजेंट्स नहीं होने वाले ठीक है यहां पे लाइव इंटरेक्शन होगा सभी डॉक्टर्स के साथ एफ जिन्होंने पास कर दिया है, जिनको नहीं पता एफ जो एग्ज़ाम होता था जो अब नेक्स्ट के आ, से रिप्लेस हो जाएगा वो एग्ज़ाम देखे ही आप इंडिया में वैलिड हो पाते थे बाहर से पढ़ने के बाद तो जिन जिन लोगों ने सारे एग्जाम्स क्लियर किए जिन जिन लोगों ने ये करके इंडिया में बहुत अच्छी जगहों पे डॉक्टर बने हुए वो सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ताकि आपकी एक्चुअल ग्राउंड रियालिटीज़ के बारे में आपको बता सके उन्होंने क्या फेस किया आपको कहाँ जाना है कैसे जाना है सब कुछ ए टू जेड पूरा प्रोसेस ठीक है एफ एम ग्रेजुएट्स होने का ये बेनिफिट है इस सेमिनार में मैं खुद भी प्रेजेंट हूँगा मैं आप लोगों से सबसे बात करूंगा सब कुछ होने वाला है ठीक है हंड्रेड परसेंट फ्री है देखो मैं तुमसे कोई पैसा डिमांड नहीं कर रहा हूँ एंड प्लीज़ कीप दिस एन माइंड सारे पेरेंट्स सारे बच्चों प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग में रखो ये कोई सेल्स कॉल नहीं है ठीक है दिस इज अ सेमिनार दिस इज़ अ काउंसलिंग तो आपको अगर लग रहा है कि भैया मैं एमबीबीएस बी बी एस एब्रॉड जाने वाला हूँ या जा रहा हूँ या जो भी है इस सेमिनार को अटेंड करो उसके बाद ही आपको स्टेप लेना ठीक है अगर फिर भी आपको लगता है भैया मुझे स्टेप लेना है एम बी बी एस अब्रॉड जाना है कोई और ऑप्शन नहीं है तो कैसे जाना है किसके थ्रू जाना है वो सब भी आपको प्योर प्यो, पूरा हंड्रेड परसेंट प्योर तरीके से गाइड कर दिया जाएगा एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल फैक्ट्स एक्चुअल चीजें आपको बताई जाएंगी उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कैसे कहाँ जाना है आपको ठीक है अब देखो कंप्लीट गाइडेंस होगी और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ प्रेजेंट होना अब आ जाते हैं कि इस मीटिंग में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड एन एम के आने के बाद जो न्यू गाइडलाइंस उन्होंने बना दिए कैसे क्या होने वाला है सब कुछ सेकेंड चीज सेफेस्ट एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन सेफ होना सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कंसर्न सेकेंड कंसर्न शुड भी बजट में आ रहा है कि नहीं इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस ठीक है तीसरी चीज यूएसएमआरसी प्लैब ए एम सी ऐसे सारे पीजी ऑप्शंस को हम देखेंगे और देखेंगे कहा जाके आप इनके लिए काम कर सकते हो ठीक है बहुत से सा, बहुत सारे बच्चे होते हैं पेरेंट्स होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि हमें यू एस एम ए देना है यू एस का ऑप्शन हमें ओपन रखना है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए किस कंट्री में जाने के बाद एक्चुअली आप ये एक कर पाओगे ठीक है ई सी एफ एम जी फैमर जैसी वेबसाइट्स हो गई डब्ल्यू डॉम्स जैसी एसोसिएशन हो गई यहाँ के साथ आपका कॉलेज एसोसिएटेड होना चाहिए उसके बाद ही आप जा सकते हो तो ये सारी चीज़ें एजेंट्स आपको बताते नहीं हैं ठीक है फिर उसके बाद ग्राउंड रियलिटी सारे कॉलेजेस की वुमेन के लिए सेफ़ है कि नहीं है आजकल आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है इंडिया में राइट right? तो एक्चुअली गर्ल चाइल्ड के लिए सेफ़ है कि नहीं है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है एडमिशन कहाँ से करना है कब तक एडमिशन कर सकते हो एक्चुअली कहाँ पे सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है ये भी हम डिस्कस करेंगे और सेमिनार कंडक्ट करेगा कौन अब ये भी बता देता हूँ तो मैं हूँगा मेरी पूरी टीम होगी डॉक्टर्स प्रेजेंट होंगे एफ एम जी जिन्होंने पास पास किया है एफ एम जी ग्रेजुएट्स प्रेजेंट होंगे एम बी बी एस एब्रॉड जो परस्यू कर रहे हैं लोग वो भी प्रेजेंट होंगे ठीक है इससे आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चल पाएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 100 फ्री है कोई एंट्रेंस फीस नहीं है कोई कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है हिडन कॉस्ट हंड्रेड परसेंट फ्री है इट इज जस्ट आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड योर मनी तुम्हें पता है ये सारे सेमिनार हम लोग क्यों कराते हैं क्योंकि यही सेम इंफॉर्मेशन देने के लिए बल्कि हम तो बहुत ज्यादा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसकी वन परसेंट इन्फॉर्मेशन टू परसेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोग दस हजार रुपये तक ले रहे हैं आई हैव सीन पीपल ऑनलाइन जो कहते हैं यार पहले दस हजार रुपये पे करो उसके बाद हम तुम्हें आगे इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो इतना पैसा तुम्हें इन्वेस्ट करना क्यों है एक मिडिल क्लास फैमिली के हो तो इससे पहले कि यहाँ वहाँ पैसा डालने से पहले जस्ट अटेंड द फ्री सेमिनार ठीक है देखो अपने डाउट्स पूछो पूरी रिसर्च करो उसके बाद मनी इन्वेस्ट करो और कैसे करना है कहाँ करना है वो भी हम सारा गाइड करेंगे तुम्हें ठीक है अब आ जाते हैं स्पेसिफिक्स कब होने वाला है कैसे होने वाला है संडे को होगा ट्वेंटी फिफ्थ अभी इस संडे जो आने वाला ना इस संडे को होने वाला है दिन में बारह बजे ट्वेंटी फिफ्थ संडे ट्वेल्व पी एम ठीक है इस सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाना वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड या जो भी वहाँ पे पिन डालनी पड़ती है और सब नीचे तुम्हें मिल जाएगा वहाँ से तुम सब कुछ कर पाओगे ऑनलाइन होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा जैसे जूम मीटिंग्स वगैरह होती है वैसे होगा तो आप लोग प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ प्रेजेंट रहना ठीक है पेरेंट्स का होना ज़रूरी है ताकि पूरा थॉर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और डिस्कशन हो सके सेमिनार का लिंक कोड सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया है ठीक है तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आओगे ठीक है सिर्फ वही बच्चे आना वही पेरेंट्स आना जो एम बी बी एस एब्रॉड के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ठीक है बाकी करियर ऑप्शन हो गए बाकी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है हमारा ये सारी चीजें इनके लिए हम सेमिनार्स लगाते रहते हैं प्लीज यहां पर आप बताना क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक है टू द पॉइंट पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी हमने पूरा सेटअप प्रोवाइड कर रखा है ताकि आपको एक्चुअल इन ग्राउंड रियालिटी पता चल सके प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ एम बी बी एस एब्रॉड आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए ये आपको पता है ठीक है लास्ट ऑप्शन होने के बाद अगर आपको कहीं भी जाना है तो प्लीज पहले ग्राउंड रियालिटी समझो कहाँ एक्चुअली वैलिड है कहाँ नहीं है ड्यूरेशन कितनी है पैसा कितना लगेगा हॉस्टल कैसे है वहाँ अकेडमिक्स कैसे, कैसे है टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो कैसा है इंग्लिश में पढ़ाई है कि नहीं है कैडेवर्स प्रेजेंट है कि नहीं है क्लिनिकल एक्सपोजर है कि नहीं है अगर हॉस्पिटल खुद का है तो कितने पेशेंट्स वहाँ आते हैं फुटफॉल कितनी है पेशेंट्स की अगर हॉस्पिटल खुद का नहीं है तो कितनी बार हॉस्पिटल विजिट हो पाएगी वुमेन सेफ्टी है कि नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ का डॉम जो है सेम है कि अलग है कितनी दूर है हॉस्टल से मेस है कि नहीं है इंडियन खाना मिलेगा कि नहीं अगर इंडियन खाना मिलेगा तो कितने टाइम मिलेगा हफ्ते में उसके एक्सपेंसेस कितने हैं आने जाने के फ्लाइट के टिकट कितने होंगे लैंड होने के बाद डॉलर्स में एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मांगेगा एजेंट अगर मांगेगा तो वो कैसे देना है क्या देना है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वहाँ पैसा कैसे सरवाइव करेगा बच्चा महीने का कितना खर्चा निकलेगा पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए ए टू जेड सब कुछ ठीक है सब कुछ तो प्लीज़ पेरेंट्स के साथ आना ट्वेल्व पी एम डो नॉट बी लेट क्योंकि ट्वेल्व पी एम शार्प हम लोग स्टार्ट कर देंगे ठीक है जितने भी लोग होंगे हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे सेमिनार्स प्लान हैं प्लीज़ इसको मिस मत करना एम बी के लिए थैंक यू और ऐसी चीज़ें मैं करता रहता हूँ याद रखना ठीक है फ्री सेमिनार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग वो फेस करो जो मैंने किया था मुझे कुछ नहीं पता था एम बी के बारे में और कहीं ना कहीं इसी की वजह से मेरा काफ़ी पैसा लॉस हो गया था मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया था तो प्लीज़ एक बार अटेंड करना थैंक यू